कोजागिरी पूर्णिमा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जिन्हें दूध से बहुत प्रेम था। दूध को पवित्र माना जाता है, जो आत्मा शुद्धि के लिए आवश्यक है। दूध पीने से शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह हमारे सदियों से चली आ रही परंपरा में माना जाता है। इन महत्व के कारण कोजागिरी पूर्णिमा में दूध का विशेष महत्व है। कोजागिरी पूर्णिमा लक्ष्मी माता का प्राकट्य दिन होता है और इस दिन सुख शांति समृद्धि के साथ अमृत वर्षा के कारण औषधि सकारात्मक वातावरण निर्माण होता है। कोजागिरी पूर्णिमा में दूध और खीर का सेवन बहुत ही गुणकारी लाभदायक होता है। आज चंद्र पृथ्वी के बहुत नजदीक आता है। चंद्रोदय और सूर्यास्त के बीच वातावरण में तापमान बदलाव के कारण ठंड और गर्म का कॉम्बिनेशन होकर मॉइस्चर जनरेट होता है, उसे अमृत वर्षा अमृत बिंदु कहते हैं। उसे आज कोजागिरी या शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उस बिंदु की आज वर्षा होती है, इसलिए दूध या खीर को चंद्रमा की शीतल छाया में बनाया जाता है। आकाश में होने वाली अमृत बिंदु की वर्षा दूध या खीर में अधिक प्रभाव डालती है। इस दूध या खीर को ग्रहण करने से शरीर सुदृढ़ निरोगी एवं शक्तिशाली बनता है, इसलिए कोजागिरी पूर्णिमा रात भर मनाई जाती है। कोजागिरी पूर्णिमा में अमृत वर्षा अमृत बिंदु तापमान बदलाव के कारण मॉइस्चर इफेक्ट और ह्यूमिडिटी इफेक्ट अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोजागिरी का यह महत्व हमें ध्यान गुरु रघुनाथ गुरु जी ने बताया।